जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे, देखिए क्रिटिकल मास यानी क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, शायद पढ़ के आपको लगेगा कि समझ गया, पर कंसेप्ट जो है वो समझने की कोशिश भी जरूर करना। क्रिटिकल मास यानी क्या है? द मिनिमम मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल रिक्वायर्ड टू सस्टेन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए मिनिमम मास जो होता है फिजनेबल मटेरियल का, जो चेन रिएक्शन को सस्टेन कर पाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए ये है यूरेनियम हमारा, ठीक है, मान के चलो ये यूरेनियम का मटेरियल है, एक यूरेनियम है। अब चेन रिएक्शन यानी क्या होता है? सबसे पहले आपको शायद चेन रिएक्शन पता नहीं होगी। देखिए अगर ये यूरेनियम है 235 और इसमें हमने जो है एक न्यूट्रॉन जो है वो बमबाट किया, तो अब इससे जो है वो क्रिप्टॉन बेरियम निकलेंगे, ठीक है। इसी के साथ इसमें से तीन जो है वो न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। अब ये जो तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये फिर से जो है वो यूरेनियम पे जो बमबाट हो गया, फिर से यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, तो इस प्रकार जो है, और एनर्जी भी लिबरेट होगी, तो इस प्रकार से जो है वो न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे यूरेनियम के न्यूक्लियस पे, उसका फ्यूजन करते जाएंगे और फिर एनर्जी रिलीज होगी, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। अब चेन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। अब देखिए मान के चलो ये जो यूरेनियम का 92-235 का जो एक पीस हमने लिया, अब देखिए मिनिमम मास का मीनिंग क्या है? यहां पे लिखा है कि मिनिमम मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल। अब ये क्या है, इसका क्या हो रहा है, यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन बमबार्ड करने के बाद ये न्यूक्लियस पे जो है वो इसका क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो इसको हम फिजनेबल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। यहां पर इसका जो है वो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यूरेनियम पे जब गाइज ये न्यूट्रॉन जो है ये हमने जो है वो बमबार्ड किया, ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है ये मैंने यहां पे यूरेनियम का एक पीस लिया, हमने यूरेनियम का एक पीस लिया, मान के चलो कि ये इतना एक इसका यूरेनियम का पीस है 92-235 का, और बमबाट करने के बाद जो है यहां पे क्रिप्टॉन बेरियम निकले और फिर से यहां से जो है वो तीन न्यूट्रॉन निकले, ठीक है। पर गाइस ये तीन न्यूट्रॉन जो है ये जो हमने यूरेनियम का पीस लिया था इसके बाहर चले गए, क्योंकि ये छोटा था, ये पीस जो था ये छोटा पीस था, ये न्यूट्रॉन जो है वो बमबाट करने के बाद ये जो क्रिप्टॉन और बेरियम बने, एनर्जी रिलीज हुई, पर ये जो न्यूट्रॉन थे ये न्यूट्रॉन इस पीस के बाहर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इसकी जो यूरेनियम का जो ये पीस हमने लिया था इसकी जो साइज थी वो कैसी थी, वो साइज छोटी थी, ठीक है। अब ये अगर इस पीस के बाहर निकल गए तो जो इस पीस में जो बाकी के यूरेनियम के न्यूक्लियस है इनके साथ तो ये बमबार्ड हो नहीं पाएंगे, तो इनका जो फ्यूजन है वो हो नहीं पाएगा, यानी जो चेन रिएक्शन चलनी थी वो तो सस्टेन ही नहीं हो पा रही, वो तो ब्रेक हो गई, समझ रहे हैं ना आप। यहां पे अगर ये न्यूट्रॉन अंदर ही रहते तो क्या होता, किसी ना किसी और दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस पे ये बमबार्ड होते, इसका फ्यूजन करते और न्यूट्रॉन जो है वो बनते, यानी चेन रिएक्शन जो है वो वहां पर सस्टेन होती। पर ये न्यूट्रॉन जो है ये जो न्यूट्रॉन बाहर चले गए इसको लीक आउट न्यूट्रॉन बोलते हैं, यानी ये लीकेज हो गए, ठीक है, बाहर चले गए। अब इसका रीजन है कि ये यूरेनियम का पीस जो था ये छोटा था, ठीक है, तो इसके लिए अगर ये रिएक्शन हमें सस्टेन करनी है, आगे बढ़ानी है, चलानी है, तो हमें जो ये यूरेनियम का पीस है ये साइज में बड़ा पीस लेना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो कि ये पीस लिया तो न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, और यहां पर जो यूरेनियम का होगा तो इसका यह फ्यूजन करेगा, फ्यूजन से फिर जो है वो न्यूट्रॉन बनेंगे और ये जो है वो चेन रिएक्शन जो है वो सस्टेन हो पाएगी, चल पाएगी। मान के चले आपने एक यूरेनियम हाथ में लिया, ये न्यूट्रॉन एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल होते हैं, आपके ब्लड में, बॉडी में, सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं, जितने एनर्जी के ये न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं इसका फ्यूजन करने के लिए वो यानी मौजूद होते हैं, पर वो कर नहीं पाते। अगर वो, अब देखिए इसकी जो साइज है गाइज, ये जो यूरेनियम का पीस है इसकी जो साइज है, तो मिनिमम साइज देखिए, मिनिमम साइज ऐसी मिनिमम साइज जिसमें ये चेन रिएक्शन सस्टेन हो पाए, ऐसा फिजनेबल मटेरियल और उसकी जो मिनिमम साइज वहां पे चेन रिएक्शन सस्टेन हो पाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल साइज। यानी ऐसी सबसे छोटी सी छोटी साइज जिसमें ये चेन रिएक्शन जो है वो उस फिजनेबल मटेरियल में सस्टेन हो पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज आपको शायद समझ में आ गया होगा, यानी ऐसी एक सबसे छोटी साइज जिसमें ये जो फिजनेबल मटेरियल है तो ये यहां पे रिएक्शन जो है वो चेन रिएक्शन उस पर सस्टेन होनी चाहिए। और ये जो क्रिटिकल साइज होती है किसी फिजनेबल मटेरियल की, जो क्रिटिकल साइज होती है उसका जितना मास होता है उस मास को गाइज हम कहते हैं क्रिटिकल मास, यानी मिनिमम मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल, यानी उसका मिनिमम ऐसा मास
रिक्वायर्ड टू सस्टेन अ चेन रिएक्शन, तो उसमें वो चेन रिएक्शन जो है वो सस्टेन होने चाहिए, तो उसको हम जो उसकी साइज होती है उसको क्रिटिकल साइज बोलते हैं, और वो जो उसके साइज का पीस है तो उसी को हम पीस या फिर उसका जितना मास है तो उसको हम क्रिटिकल मास बोलते हैं। शायद आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि क्रिटिकल मास और क्रिटिकल साइज किसे बोलते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।